हाय एवरीवन, वेलकम टू सीबी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में आज हंगूल या कश्मीरी स्टैक के बारे में बात करेंगे। कश्मीरी स्टैक की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, एंड इट रिमेन्स अ बिग कंसर्न क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट्स है वो कमेंसुरेट नहीं है, राइट। और अगर हम हंगूल की बात करें, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ J&K, लेकिन सिर्फ ये डाचीगाम नेशनल पार्क में ही अब रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया है। पहले इट वॉज़ फाउंड इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, इन J&K ऑल्सो, लेकिन नाउ इट इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस नेशनल पार्क, ठीक है, विच इज़ 15 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, राइट। और किसी टाइम पे 1900 में इसकी पॉपुलेशन 5000 थी, बट इट हैज़ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइंड एंड नाउ इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डाचीगाम नेशनल पार्क। दूसरे एरियाज़ में भी छोटे छोटे नंबर्स में इट इज़ फाउंड, बट अगर आपको क्वेश्चन आता है सो यू विल मार्क डाचीगाम नेशनल पार्क ओनली, राइट। उसके बाद पहले वही कि इवन जम्मू एंड कश्मीर में मिलता था आपको, हिमाचल प्रदेश में भी मिलता था, बट नाउ इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डाचीगाम नेशनल पार्क। उसके बाद अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और अगर हम अपने एक्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये Schedule 1 में मिलता है, दैट इज़ इट इज़ प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन क्योंकि इसके नंबर्स आर ड्विंडलिंग कॉन्स्टेंटली। उसके बाद इवन जो J&K की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी ये Schedule 1 में इट इज़ फाउंड। सो बोथ एक्ट्स इट इज़ फाउंड इन दी Schedule 1, इट इज़ गिवन प्रोटेक्शन अंडर Schedule 1। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ इन द स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड NVIS, जिसमें मोस्टली जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वहीं आती हैं, राइट। अगर हम रीजंस फॉर डिक्लाइन की बात करें, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, प्रेडेशन बाय अदर एनिमल्स और बाय ह्यूमंस, एंड वेरी लो फॉन टू फीमेल रेशियो। बेसिकली क्या है, जो मेल फीमेल है ना वो रेशियो थोड़ी स्क्यूड है। आपके पास जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, फीमेल्स आर 100 एंड मेल्स की बात करें तो 23 मेल्स टू 100 फीमेल्स की रेशियो है, तो काफ़ी कम है, तो उसे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती, राइट। और दूसरी चीज़ है फॉन टू अडल्ट डिस्पैरिटी, के रिक्रूटमेंट लो है ऑफ फॉन्स टू अडल्ट, ठीक है, फॉन्स आर द लिटिल वंस ऑफ द डियर, आप उनको फॉन कहते हो, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाते अडल्ट में, ठीक है, ड्यू टू अनदर लाइक अ नंबर ऑफ रीजन्स। तो ये रीजन्स है इसके डिक्लाइन के। उसके बाद कश्मीर में अगर हम बात करें ना, तो और भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जैसे मारखोर और चिरू। मारखोर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कोट विच इज़ फाउंड इन कश्मीर एंड सेवरल रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, और चिरू के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिबेटन एंटीलोप, जिसको हंट किया जाता है फॉर इट्स वूल, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो फाउंड। सो ये भी स्पीशीज़ हैं जिनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। बेसिकली अगर हम इनका IUCN स्टेटस देखें तो नियर थ्रेटेंड है, राइट, बट अगर हम उसकी बात करें हंगूल की, सो दैट इज़ क्रिटिकली endangered, right? So this was about हंगूल। So हंगूल को equally important माना जाता है J&K के लिए जैसे टाइगर है, और जो protection उसको दी जा रही है वही warrant करता है हंगूल भी, and it is the only Asiatic survivor or subspecies of European red deer, ठीक है। So ये भी एक important चीज़ है, लेकिन बात वही है कि population constantly decrease हो रही है, and that needs to be taken care of, right? So that is all about कश्मीरी stag।